मुझे एक बात बताएं, आपको पता है गांव का, आपको पता होगा ना, ऐसी कौन सी चीज है जो भैंस के पास चार होती है और लड़की के पास दो होती है? क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको जब मर्जी मारे उसको कुछ नहीं होता लेकिन हम बहुत इंजॉय करते हैं, वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ वीडियोस को हमारे लोग इंटरटेनमेंट का नाम देते हैं, हम उसे बुराई, बेहयाई, बदतमीजी, जहालत का नाम देते हैं। तो हमारे दज्जाली मीडिया के लोग सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए हदें क्रॉस कर जाते हैं, जबकि टिकटॉकर्स अपने आप को नंगा कर देते हैं, बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं, मुंह से बकवासात करते हैं, गर्ज चंद व्यूज़, चंद फॉलोअर्स के लिए हदें क्रॉस कर देते हैं। तो ज़रा मैंने देखा फेसबुक, यूट्यूब पर तो मुझे बहुत सी ऐसी वीडियोस मिली जो कि हदें क्रॉस कर जाने वाली थी, और ये कोई दज्जाली मीडिया वाले नहीं थे, ये टिकटॉकर्स नहीं थे, बल्कि ये आम लोग ही थे जिन्हें हम यूट्यूबर्स कह सकते हैं या फेसबुक पर वीडियोस बनाने वाले कह सकते हैं। ये शोज़ के नाम पर किस कदर बेहयाई करते हैं, हमने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, आज एक और वीडियो शेयर करते हैं, लिहाजा आप इसे मुलाहिजा कीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इस पर बात करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है गांव का, आपको पता होगा ना, ऐसी कौन सी चीज है जो भैंस के पास चार होती है और लड़की के पास दो होती है? वो तो ये पंजाबी आखिर। तो प्यारे साथियों, आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया, जब सादा लोगों से ऐसे उल्टे सीधे सवाल किए जाएंगे तो लोग इससे भी घटिया जवाब देंगे, और ख़ुद के चार व्यूज़ के लिए लोगों को डबल मीनिंग सवालात के ज़रिए उलझाया जाता है, और उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनको अच्छे जवाब देंगे। तो गलती इन बुज़ुर्ग की नहीं है, गलती उनकी है जो ऐसे सवालात करते हैं। अगर आपने किसी से कुछ पूछना ही है तो कुछ दीनी, मजहबी, कुछ ऐसा पूछिए जिससे इस माशरे को इल्म हो कि हम लोग किस पानी में हैं। आप ऐसे वाहियात सवालात उठाते हो, उन पर जानबूझकर लोगों के जवाब लेते, उनके कमेंट्स लेते हो, और फिर कहते हो कि माशरा बुरा है। माशरा नहीं, बल्कि इस माशरे से ऐसे सवालात पूछने वाले बुरे हैं। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ऐसे प्रोग्राम्स को बंद किया जाए जो इस दज्जाली मीडिया पर चलते हैं, ऐसे शोज़ पर पाबंदी आयद की जाए जो कि इस तरह सड़कों पर किए जाते हैं, और टिकटॉक पर भी बैन लगाया जाए। तो आप हमारे इस मुतालबे में हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफिन में से होंगे? वीडियो के शेयर से पता चल जाएगा, और लाइक्स और डिसलाइक्स की रेशो से भी। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह पाक हम सबको बुराइयों से बचा के रखे, आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।